हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगेन हम नाउन के टॉपिक को लेकर आए हैं, बिकॉज लास्ट क्लास में हमने सिर्फ ये पढ़ा था एग्जैक्टली नाउन होती क्या है। नाउ वी विल लर्न कि नाउन को कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वन इज कॉमन नाउन एंड वन इज प्रॉपर नाउन। तो पहले हम थोड़ा सा रिविजन नाउन की कर लेते हैं। वट इज नाउन? नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन? नेमिंग वर्ड्स विच टेल्स विच डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी पर्सन का, पीपल का, किसी इंसान का नेम, किसी प्लेस मतलब जगह का नेम, किसी एनिमल मतलब किसी जानवर का नाम, या फिर किसी थिंग मतलब किसी चीज का नाम, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। बट नाउन आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, नाउ कॉमन नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन। सो वट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन का मतलब होता है कुछ जनरल नेम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ बॉय और अ गर्ल। ओके, आप क्या हो? या तो बॉय हो या फिर गर्ल हो, राइट? लेकिन अगर बहुत सारे बॉय गर्ल हो और मुझे आवाज लगानी हो, दिस बॉय दैट बॉय, तो मैं कैसे आवाज लगा सकती हूँ? डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ अ नेम। ठीक है, अगर आपका नेम ही नहीं होगा तो अब मैं किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी बॉय या गर्ल के बारे में बात करूँ तो वो तो कोई भी बॉय गर्ल हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली आपका नेम यूज कर रही हूँ, प्रॉपर नेम यूज कर रही हूँ आपको, इट इज अ प्रॉपर नाउन, जहां पे स्पेसिफाइड किया गया है कि मैं किस बच्चे से बात कर रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ बॉय या गर्ल, तो वो तो कॉमन है, कोई सा भी बॉय या कोई सी भी गर्ल हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉपरली मैं नाम बता रही हूँ कि उस बच्चे का नाम है नितिन, सो नितिन मैंने एक प्रॉपर नेम बताया ना बच्चे का, राइट? ओके, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर टीचर। तो जब तक मैं टीचर हूं तो मैं कॉमन हूं, कोई भी टीचर हो सकती है। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर इंग्लिश टीचर, सो राइट नाउ आई एम योर इंग्लिश टीचर, सो आई एम अ प्रॉपर नाउन, राइट? ओके, क्लियर? सो कॉमन एंड प्रॉपर में आपको डिफरेंस पता चल गया। वन मोर थिंग, जो प्रॉपर नाउन होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज ऑलवेज कैपिटल। वो क्या होता है? ऑलवेज कैपिटल होता है। लुक एट व्हाट इज दिस? दिवाली। दिवाली इज अ फेस्टिवल। अ फेस्टिवल तो कोई भी हो सकता है, तो वो तो कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया पर्टिकुलरली कि हम दिवाली फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज कैपिटल। सो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है, एंड स्पेसिफाई किया जाता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। टीचर, एज आई टोल्ड यू, टीचर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंग्लिश का टीचर, हिंदी टीचर, मैथ्स टीचर, ठीक है, तो टीचर तो कोई भी हो सकता है, कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि इंग्लिश टीचर है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, क्लियर? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल एक प्लेस का नेम है, नेम ऑफ अ प्लेस है, नाउन है। लेकिन कौन सी नाउन है, कॉमन या प्रॉपर? अगर यहां होता सिर्फ टेम्पल, सो व्हाट डू यू थिंक? अगर सिर्फ टेम्पल होता तो हम कहां जाते? डेफिनेटली कॉमन में। कोई सा भी टेम्पल हो सकता है, आपके आसपास के घर का टेम्पल हो सकता है, मेरे घर के आसपास का टेम्पल हो सकता है। बट यहां पे दिया हुआ है कि हम सिर्फ लोटस टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, तो और फर्स्ट लेटर देखो, सी इट्स कैपिटल, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्री। व्हाट डू यू थिंक ट्री क्या है? यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया गया है कि कोई प्रॉपर नेम बताया गया है कि एप्पल ने एप्पल ट्री है, मैंगो ट्री है? नहीं बताया गया, कोई भी ट्री हो सकता है, सो इट्स अ कॉमन। कोई से भी ट्री के बारे में बात हो रही है, वी डोंट नो। हिसार, व्हाट डू यू थिंक हिसार? हिसार इज अ प्लेस, एक जगह है, जैसे दिल्ली एक प्लेस है, मुंबई एक प्लेस है, ऐसे हिसार एक प्लेस है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं घूमने जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हो? आपको पता ही नहीं, मैं तो बस घूमने जा रही हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं बता रही हूँ बेसिकली मैं हिसार घूमने जा रही हूँ, तो मैंने आपको प्रॉपर नेम बताया ना मैं कौन सी जगह घूमने जा रही हूँ, एंड फर्स्ट लेटर क्या है इसका? कैपिटल, सो वी विल पुट इट इन अ प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर नाउन। पार्क। अब पार्क, बहुत सारे पार्क हैं, मेरे घर के पास पार्क है, आपके घर के पास पार्क है, कितने सारे पार्क हैं। बट इसमें पर्टिकुलर मेंशन तो नहीं है ना, स्पेसिफिक नेम तो नहीं बताया गया कि हम कौन से पार्क में जा रहे हैं, राइट? सो वी विल पुट इट इन अ कॉमन नाउन। टॉम। टॉम एक पर्टिकुलर नेम है, करेक्ट? टॉम किसी का नेम है, सो प्रॉपर नेम बताया गया कि मुझे टॉम से ही बात करनी है। रोहित। रोहित भी एक प्रॉपर नेम है। नेपाल। नेपाल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, बट इट्स कॉमन और प्रॉपर? व्हाट डू यू थिंक? नेपाल एक जगह का नेम है, प्रॉपर बताया गया, एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल भी है, राइट? सो वी विल पुट इट इन अ प्रॉपर नाउन। शॉप।
अब शॉप तो कोई सी भी हो सकती है, मेडिकल शॉप भी हो सकती है, टॉय शॉप भी हो सकती है, डॉल की शॉप भी हो सकती है, ड्रेसेस की शॉप भी हो सकती है, बट कुछ बताया तो नहीं हो प्रॉपर उसका नेम, तो ये तो कोई सी भी शॉप हो सकती है, कॉमन सी बात है, राइट? फादर, अब फादर, फादर का नेम तो नहीं बता रखा और ना ये बता रखा कि किसके फादर के बारे में बात हो रही है, करेक्ट? तो इट्स अ कॉमन। स्टूडेंट, अब कौन से स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है? फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, थर्ड क्लास के स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है? वी डोंट नो, सो इट्स अ कॉमन नाउन। रोमा, रोमा इज बेसिकली अ नेम एंड फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सो वी विल पुट इट इन अ प्रॉपर नाउन। कार्टून, ये तो सबका फेवरेट है ना, कार्टून कोई भी हो सकता है, डोरेमोन भी हो सकता है, शिनचैन भी हो सकता है, करेक्ट? कोई सा भी हो सकता है ना, राइट? बट यहाँ पे तो सिर्फ कार्टून लिखा है तो कॉमन सी बात है, ये तो कोई सा भी कार्टून हो सकता है। मुंबई, मुंबई इज अ प्लेस एंड फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। आई होप आपको कॉमन एंड प्रॉपर नाउन का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, करेक्ट? सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।